स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल ज्योमेट्री स्कूल डॉट इन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। सो स्टूडेंट, ये सीरीज है हमारी कवच सीरीज फॉर आरएमएस 6 क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिक जीके पोर्शन, जहां पे आपके जीके सेक्शन में आते हैं 50 क्वेश्चंस कंटेनिंग वन क्वेश्चन, वन मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो आज इसका सेट 3 हम डिस्कस करने वाले हैं। 2 सेट्स इसके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ये वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आपको एज इट इज रखे मिलेंगे। तो आपको इन 1000 क्वेश्चंस के कवच को जरूर पहनकर जाना है, क्योंकि इन्हें छोड़ने का मतलब है अपने एग्जाम को खराब करना। अगर आप चाहते हैं कि आप मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग की तरह जीके सेक्शन भी अबव 45 क्वालिफाई करें, तो इस वाले कवच को देखना बहुत जरूरी है। इसके क्वेश्चंस को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप देखेंगे एग्जाम में आपको एज इट इज लैंग्वेज के साथ आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी क्वेश्चन बेकार नहीं है। तो आपको इसको जरूर पहनकर जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज हमारा कवच सीरीज का सेट नंबर 3 फॉर स्टैटिक जीके पोर्शन। सो स्टूडेंट, अगर आप भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर आरएमएस लाइक 6 क्लास और फॉर 9th क्लास, तो आप हमारा हॉस्टल फैसिलिटी में कर्तव्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम 1st ऑफ जनवरी, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 25 सीट्स अवेलेबल है। सो जल्दी से अपने पेरेंट्स के साथ आइए, हॉस्टल को विजिट करिए और अपना नेम एनरोल कराइए और अपने किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करें। स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं लाइव क्लासेस लेना या रिकॉर्डेड सेशन लेना, तो आप हमारी ज्योमेट्री ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं एंड्रॉइड मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से। इवन यू कैन विजिट अवर वेबसाइट, दैट इज www.geometryschool.in। यहां पर आपको मिलेगा एक पोर्शन तो हमारा रिकॉर्डेड है, जिसमें आपको कंसेप्ट वीडियो मिलेंगी, साथ में उसकी क्विजेज मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, यहां पर आपको एग्जाम बूस्टर, लाइव टेस्ट, तो ये। और साथ ही में अगर आप चाहते हैं रिकॉर्डेड के साथ साथ डेली लाइव क्लासेस विद एक्सपर्ट फैकल्टी, तो हमारी लाइव क्लासेस भी 1st ऑफ जनवरी से स्टार्ट होने वाली हैं। लेकिन अगर आप हॉस्टल में स्टे करना चाहते हैं, तो आप कंप्लीट ईयर हमारे यहाँ रहकर हॉस्टल में अपने नेक्स्ट 2024 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें आपको हमारे हॉस्टल को विजिट करना होगा, अपने आप को एनरोल कराना होगा। पेरेंट्स के साथ आइए, हॉस्टल को विजिट करिए, फैसिलिटीज को देखिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आपको यहाँ पर कोई भी कंप्लीट ईयर के लिए पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें मंथ वाइज भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को लगता है कि मैं यहाँ पर अडेप्ट कर सकता हूँ, एटमोसफेयर अच्छा है स्कूल का, अच्छे से मेरी तैयारी हो रही है, वो वहां पर उसको हेल्दी एनवायरमेंट लग रहा है, तो यहाँ पर वो आप पूरा 1 ईयर का प्लान एक बार ले सकते हैं। अदरवाइज आप मंथली भी पे कर सकते हैं। कोई भी कोर्स के लिए आपको प्रिपरेशन करना हो, इट कैन बी RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय, तो जल्दी से कॉल करें इन नंबर पर, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करें और जल्दी से ज्योमेट्री हॉस्टल स्कूल पहुंचे। यहां पर आपको मिलेंगी एक्सपर्ट टीचर के साथ क्लासेस, जो कि होती हैं हमारी 8 to 5 PM डेली। साथ ही इसके बाद होते हैं हमारे मिनी मॉक, जितना जितना कवर होता जाता है। थर्सडे और संडे हम लेते हैं महामॉक, और साथ में चलते हैं आपके लाइव टेस्ट के साथ प्रैक्टिस, जिससे कि आप टाइम रहते अपने एग्जाम को कंप्लीट कर सके। लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस यहां पर कराई जाती है, मैथ्स का डेली मॉक लिया जाता है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरीके से हमारा कंप्लीट कोर्स हमने प्रिपेयर किया हुआ है, तो आप हमारी वेबसाइट को जल्दी विजिट करें, उसके बाद हॉस्टल फैसिलिटी को विजिट करें, पूरा कंफर्म करने के बाद ही पेमेंट करें और अपने बच्चों को एनरोल कराएं, क्योंकि 1st ऑफ जनवरी से हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है। सो स्टूडेंट, ये हमारे हॉस्टल और लाइव क्लासेस का रहा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। स्टूडेंट, जीके में आपका यहां पर स्टैटिक जीके के साथ साथ कुछ क्वेश्चन हमारे साइंस रिलेटेड भी आते हैं, तो मैं यहां पर आज सेट नंबर 3 में आपको आने वाली हूं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। 50 क्वेश्चंस का हम कलेक्शन देने वाले हैं, और आप मुझे वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि 50 में से कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको ऑलरेडी आते थे, और आपने 50 में से आउट ऑफ 50 आज आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करें। एंड स्टूडेंट, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे ज्योमेट्री स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय रहते सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी कोई भी वीडियो स्किप ना हो। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, तो जल्दी से उसको देख लीजिए, वहां पर भी आपका क्वेश्चंस का कलेक्शन है। 50 क्वेश्चंस आपको ईच वीडियो में मिलेगा,
तो चलिए वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। न्यूक्लियर रिएक्टर वॉज इन्वेंटेड बाय, सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर किसने इन्वेंट किया था? जेम्स वॉट, अलेक्जेंड्रो वोल्टा, ब्रॉकेट, एनरिको फर्मी। तो करेक्ट आंसर फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर इज एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी ने सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था, तो डी इज द करेक्ट आंसर। Who discovered blood group? As you know that human beings में हमारे blood group होते हैं A, B, A, B and O, इन्हीं के हमारे variant होते हैं A positive, A negative, A B positive, B negative. AB is the universal recipient, O is the universal donor. तो जो सबसे पहले blood group जिन्होंने बताए थे किसमें कौन सा antibody होता है किसमें antibody नहीं होता है, तो इसका credit जो जाता है वो जाता है किसको? Karl Landsteiner। तो A is the correct answer। Student, very important question है RMS के लिए, बिल्कुल करके जाएं। नेक्स्ट, why are the leaves green in color? Very simple, मेरे साथ मार्क करते हुए चलिए और मुझे एंड में आपको स्कोर भी जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में कि आज आपने कितना स्कोर किया है। तो why are the leaves green in color? लीव्स जो है ग्रीन इन कलर क्यों शो होती हैं आपको? Due to the presence of chlorophyll, due to the presence of chloroform, due to the presence of xylem tissue, none of these. तो correct answer is due to the presence of a color, green color pigment that is known as chlorophyll. Basically इसका central atom भी पूछ लिया जाता है, तो इसमें central element होता है magnesium and porphyrin की ring से ये bind होता है, तो इसका central element आ जाता है कभी कभी exam में, तो magnesium is the central element of chlorophyll. तो correct answer is due to the presence of chlorophyll. Which of the following body part in human is the longest? सबसे longest body part हमारी body में कौन सा है? Large intestine, small intestine, femur bone, lungs. तो सबसे लंबी जो हमारी होती हैं, they are the very coiled structure that is small intestine. Up to 6 to 7 meter long ये structure होती है. Femur bone हमारी सबसे बड़ी bone होती है, few inches की होती है, लेकिन यहाँ पर 6 to 7 meter long होती है हमारी small intestine. But ये highly coiled structure है, इसलिए छोटा नजर आती है, तो यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना, ये प्रोसेस कहलाता है रिप्रोडक्शन। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट कैन बी अ प्लांट, इट कैन बी अ एनिमल, जब वो अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं ऑफ इट्स ओन काइंड, ऑफ स्प्रिंग, जस्ट हम यहाँ पर ओन काइंड को ऑफ स्प्रिंग भी बोल सकते हैं, जो उनके बेबीज होते हैं, लाइक रोज प्लांट विल प्रोड्यूस द सीड्स दैट विल ग्रो इन टू अगेन द रोज प्लांट। तो इसी तरह ह्यूमन के जो इन्फेंट्स होते हैं, दे आर जस्ट सिमिलर। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है? दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। आई होप अभी तक आपको सभी क्वेश्चन आते होंगे। स्टूडेंट, इनको एक जगह या तो कहीं पर नोट कर लीजिए या लर्न कर लीजिए, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यू टाइनी प्लांट अराइज फ्रॉम द सीड इज नोन एज डैश। जब आप कोई भी सीड अंडर द ग्राउंड सो करते हैं इनटू द सॉइल, तो उसमें से एक टाइनी प्लांट निकलता है, दैट टाइनी प्लांट इज नोन एज जर्मिनेटिंग प्लांट, टाइनी प्लांट और सीडलिंग। तो दैट वी गिव इट अ टर्म दैट इज नोन एज सीडलिंग। तो वो टाइनी प्लांट जो नया निकलता है सीड से, उसको हम सीडलिंग बोलते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। If you will put egg in fresh water, it will dash. अगर आप fresh water में एक egg को डालते हैं, तो what will happen? It will sink into it. ये क्या करेगा? सीधा सीधा उसके अंदर डूब जाएगा। तो fresh water में अगर आप डालेंगे, तो egg will sink. A is the correct answer. The salt water has less density than normal water. जो salt water होता है, उसकी density normal water से क्या होती है? Lesser, higher, equal. तो density is equal to क्या होता है? Mass upon volume, कि किसी भी liquid volume में कितना mass है किसी substance का, that is known as its density. तो यहाँ पर जो हमारा salt water होता है, that is has higher density. वो higher dense होता है than the normal water. B is the correct answer. The breakdown of food into simple soluble form is called as dash. तो basically जो हमारे body में complex food का breakdown होता है into the simple form, तो ये it will converted into the simple form. क्यों होना होता है इसे simple form में convert? Because so that we can absorb it. हमारी body इसको absorb कर सके, इसके nutrients को absorb करे to give us energy. तो this complete process of breakdown of food is known as digestion. तो B is the correct answer.
इंजेशन इज जस्ट टू इनटेक द फूड, डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, इजेशन इज द रिमूवल ऑफ द फूड। इजेशन में बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूव होना, एब्जॉर्प्शन मीन्स इसको बॉडी में ब्लड के थ्रू टेकअप कर लेना, तो एब्जॉर्प्शन इन ब्लड। तो यहां पर करेक्ट आंसर है बी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आरएमएस, आप इसको 100% करके जाएं, ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। वो इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है किसी भी ओशन की गहराई को, तो बोट्स और शिप पे इसको लगा दिया जाता है और ये आपको किसी भी ओशन की गहराई को बता सकता है, तो बेसिकली इट इज अ फैदोमीटर। फैदोमीटर यूज किया जाता है टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन, सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following glands are involved in human digestion? Important question है RMS के लिए again. कौन सी glands हैं जो human digestion में help करती हैं? तो हमारी body में digestive system के साथ साथ accessory glands भी होती हैं जो help करती है in the digestion. That is salivary gland जो secrete करती है mouth में saliva. लीवर इज द सेकेंड ग्लैंड दैट सिक्रीट द बाइल जूस। ये क्वेश्चन आ जाता है बच्चों कि हमारी बॉडी में बाइल जूस कहाँ से सिक्रीट होता है, तो लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, और ये भी आ जाता है विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड वॉट विल इट डू, इट विल सिक्रीट बाइल जूस, एंड वॉट विल बाइल जूस डू, बाइल जूस विल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट। तो लीवर हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, आरआईएमसी में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्या सिक्रीट करती है, ये बाइल जूस सिक्रीट करती है जो फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहां पर हमारा जो तीसरा ग्लैंड है वो है पैंक्रियाज। तो करेक्ट आंसर है सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियाज। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, पैंक्रियाज की हम बात करें तो ये एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड है जो सिक्रीट करती है कुछ पैंक्रियाटिक जूस, जैसे कि जिसमें होता है अमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन एंजाइम, जो फर्दर डिग्रेड ब्रेक डाउन करता है स्टार्च के अमाइलोज का, लाइपेज लिपिड्स का, और ट्रिप्सिन प्रोटीन के पैप्टाइड्स का। तो जो तीन हमारी ग्लैंड इन्वॉल्व होती है ह्यूमन डाइजेशन में वो है सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करती है सलाइवा, लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, और पैंक्रियाज सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूसेस। तो बी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर सिल्क, सिल्क वर्म को जब हम रियर करते हैं ऑन लार्ज स्केल ऑन द मलबेरी प्लांट, ये पूछ लिया जाता है कि जो यहां पर फीमेल सिल्क मोथ होती है वो किस प्लांट पर, आरआईएमसी में ये क्वेश्चन आया था, घुमा फिरा के पूछते हैं कि किस प्लांट की किस ट्री की हमें नीड होती है रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म में, तो इट इज मलबेरी ट्री, जिस पर इनकी फीमेल जो होती है थाउजेंड्स ऑफ एग ले करती है, और उसी में से जो ककून निकलते हैं लार्वा वो उसी की लीव्स पर रहकर अपना फूड लेते हैं। तो जो रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म है वो क्या कहलाता है, इट इज नोन एज सेरिकल्चर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेरिकल्चर इज द करेक्ट आंसर। आगे वीडियो में मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगी क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर एट लार्ज स्केल इज कॉल्ड सेरिकल्चर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीपिंग ऑफ वाटर अंडर द ग्राउंड इज, आपको पता है देयर इज अ वाटर साइकिल, हमारे चारों तरफ वाटर साइकिल रन करती होती है जिसको हम क्या भी बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिक साइकिल। ये क्वेश्चन सैनिक स्कूल में आ गया था, तो आप आरआईएमसी में रेडी रहे इसके लिए कि वाटर साइकिल का दूसरा नाम क्या है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलॉजिक साइकिल, जिसमें बेसिकली एक चक्र होता है जो लगातार चलता रहता है, वाटर इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होकर वेपर बन के फिर कंडेंसेशन से वाटर ड्रॉपलेट बनते हैं, वापस से फिर प्रेसिपिटेशन होता है, रेन की फॉर्म में वापस आता है, और फिर वो परकोलेट होकर इनटू द ग्राउंड चला जाता है। तो धीरे धीरे वाटर का अंडरग्राउंड हो जाना टू इंक्रीज द वाटर टेबल, दैट इज नोन एज परकोलेशन। तो इट इज योर वाटर साइकिल, जिसमें ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलता रहता है, जिसमें वाटर के वेपर्स बनते हैं बाय द इवेपोरेशन, अगेन वो वाटर लिक्विड में चेंज हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, फिर कंडेंसेशन होने के बाद जो क्लाउड्स बनते हैं, जो वो रेन बन के वापस आता है, दैट इज प्रेसिपिटेशन, और अगेन उसका वाटर टेबल को इंक्रीज करने के लिए सीप हो जाना थ्रू द पोरस रॉक, दैट इज नोन एज परकोलेशन। इसी के साथ साथ इन्फिल्ट्रेशन भी होता है, जब ये रॉक्स को, पोरस रॉक्स को क्लियर करके आगे बढ़ता है, दैट इज नोन एज इन्फिल्ट्रेशन। तो यहां पर डी इज द करेक्ट वाटर करेक्ट ऑप्शन, दैट सीपिंग ऑफ वाटर अंडर द ग्राउंड, धीरे धीरे पानी का सीप होना इज नोन एज परकोलेशन। डी इज द करेक्ट आंसर।
इंसेक्ट रिलीज केमिकल्स कॉल्ड डैश टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। यू आपने देखा है कि हम इंसेक्ट्स के साउंड नहीं सुन पाते, बट वो आपस में कम्युनिकेट तो करते हैं। तो सभी ऑर्गेनिज्म आपस में किसी ना किसी तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे आंट की बात करेंगे तो आंट भी क्या करती है, स्मेल छोड़ते हुए चलती है ऑफ समथिंग, अभी हम बताएंगे किसका। तो सारी आंट्स उसी की सीरीज में उस स्मेल को फॉलो करते हुए चलती है। तो व्हाट इज द स्मेल ऑफ, दैट इज द स्मेल ऑफ केमिकल, दैट इज नोन एज फेरोमोन्स। तो बेसिकली ये क्या कहलाता है, फेरोमोन्स। जब भी ये इंसेक्ट एक केमिकल सिक्रीट करते हुए चलते हैं जिसको फॉलो करते हुए अदर इंसेक्ट उसको फॉलो करता है, तो ये केमिकल कहलाते हैं फेरोमोन्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जीके, और ये क्वेश्चन आ सकता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which planet is known as the morning star as well as evening star? किस planet को आप morning as a morning star और as a evening star देखते हैं? Morning में in the eastern sky and in the western sky, और western star in the as a evening star। तो Venus को आप देख सकते हैं, it is the brightest star और brightest planet है, basically star की तरह appear होता है, ये हमारा planet है। तो Venus को हम appear कर सकते हैं as a morning star और as a evening star। सैनिक में ये question आ चुका है, so be ready for in RMS exam, very important क्वेश्चन। बी इज द करेक्ट आंसर। द वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन द अर्थ सरफेस आर कोल्ड। बेसिकली जो हमें अर्थ के सरफेस पर झटके ट्रीमर्स फील होते हैं, तो ये वेव्स कौन सी होती हैं जो प्रोड्यूस्ड होती है अंडर द क्रस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। तो दीज जिसकी वजह से आते हैं अर्थक्वेक्स। तो ये जो ट्रीमर्स होते हैं, झटके होते हैं अर्थक्वेक के, ये वेव्स क्या कहलाती है? तो दीज वेव्स आर नोन एज सेस्मिक वेव्स, क्योंकि ये कहां, ये सेस्मिक जो भी फोल्ट जोन होता है जहां पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं, जैसे जापान सबसे मोस्ट प्रोन कंट्री है अर्थक्वेक की, ये पूछ लिया जाता है। तो सेस्मिक फोल्ट जोन में सबसे ज्यादा झटके लगते हैं, इसीलिए वेव्स को कहा जाता है सेस्मिक वेव्स, जो अर्थक्वेक कॉज करती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। डैश इज द स्मॉलेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटा मैमल कौन सा है? मैमल बेसिकली क्या होते हैं, जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, डायरेक्ट एग नहीं ले करते, जो अपने बेबीज को अपने मिल्क से नरिश कराते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे मैमल्स। और मैमल्स हमारी सबसे छोटी मैमल है बम्बल बी बैट। आपको पता है बैट एक मैमल है, फ्लाइंग मैमल है, फ्लाई करती है इवनिंग टाइम में, बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस करती है, इसलिए हम इसकी साउंड भी नहीं सुन पाते, 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा की साउंड प्रोड्यूस। तो बंबल बी बैट इज द स्मॉलेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड। बी इज द करेक्ट आंसर। दिस कॉमन फ्लाई हैज ओनली वन पेयर ऑफ विंग। इसके वन पेयर ऑफ विंग होता है, एक इधर। इट फ्लाई एट ओवर 7 किलोमीटर पर आवर। पर आवर में ये 7 किलोमीटर की स्पीड से रन कर सकती है। और ये क्या है, इट इज अवर कॉमन फ्लाई, दैट इज हाउस फ्लाई की हम यहाँ बात कर रहे हैं। बहुत तेजी से उड़ती है, और एक कॉमन पेयर, वन पेयर ऑफ प्रॉपर विंग होता है। ये क्या है हमारी, जो हमें नॉर्मली हमारे घर में फ्लाई होती है, दैट इज मक्खी जो होती है, हाउस फ्लाई। तो ये 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर सकती है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। द वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन टू स्पेंड अ रिकॉर्ड ऑफ 195 डेज इन स्पेस इन 2007। वर्ल्ड की पहली महिला जिन्होंने एक रिकॉर्ड सेट किया है 195 डेज का स्पेस में, दैट इज सुनीता विलियम। सबसे ज्यादा स्पेंड किया टाइम इन्होंने, तो डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, अगर आप इसी तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो और आपको क्वेश्चंस चाहिए फॉर प्रैक्टिस, तो एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका है। सैनिक स्कूल का एग्जाम भी 8th of January को होने वाला है, और आरएमएस तो बिल्कुल ही 18th December को अभी आपका एग्जाम है। और अगर आपने अभी तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आप हमारा तेजस पैक परचेज कर सकते हैं फॉर 6th class, और चिनूक हमारा कंप्लीट पैक है, जिसमें अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप ये कंप्लीट कोर्स बाय कर सकते हैं। इसी तरह का अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर आरएमएस 9, तो जैगुआर हमारा कंप्लीट कोर्स है, जिसमें आपको कंसेप्ट बेस्ड वीडियो, टॉपिक वाइज क्विज, मिक्स्ड क्विज, ई नोट्स, लाइव टेस्ट, हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट। और अगर आपको अभी चाहिए कि कम टाइम में रहते हुए अच्छे से प्रिपरेशन हो सके, तो रुद्रा पैक इज बेस्ट फॉर इट। यहां पर आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसको आप सिर्फ क्वेश्चंस को टिक करते जाइए ऑनलाइन और अपनी प्रैक्टिस को बिल्कुल फाइनल तक ले जाइए, तो रुद्रा इस टाइम आपको हेल्प करने वाला है। सो स्टूडेंट, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है, बुक जितने सस्ते हैं, जितनी बुक आप अवेल करेंगे, आंसर्स नहीं मिलेंगे बुक में आपको प्रॉपर, यहां पर आप अपना ऑनलाइन टेस्ट दें और साथ ही साथ उसको चेक कर सकते हैं, अपने आंसर्स को करेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, ऐप पर जाइए, वहां से रुद्रा कोर्स को बाय नाउ करिए, ऐड टू कार्ट करके, और एकदम से आप इसको यूज कर सकते हैं विद इन अ मिनट, अपना अकाउंट सेट करके। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
लार्ज कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स एंड फ्लावर्स फॉर कमर्शियल यूज, कमर्शियल यूज के लिए जो यहाँ पर वेजिटेबल और फ्रूट्स फ्लावर को ग्रो किया जाता है दैट इज नोन एज हॉर्टिकल्चर. तो उसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी विद द कल्टीवेशन ऑफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट. तो सी इज द करेक्ट आंसर. लार्ज स्केल रियरिंग ऑफ फिश, अगर आप फिश को लार्ज स्केल पर रियर कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज फॉर उनके एग्स के लिए प्रोडक्शन के लिए दैट इज नोन एज पिशिकल्चर. तो फिशेस को हम बेसिकली पाइसिस बोलते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं. तो फिशेस के कल्चर को क्या कहते हैं, पिशिकल्चर. एपिकल्चर होता है जब आप हनी बी को यहाँ पर रियर करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हनी. और एनिमल हस्बेंड्री में आप जो कैटल्स होते हैं, लाइव स्टॉक, स्टॉक फार्मिंग जिसको हम बोलते हैं, कैटल्स को आप रियर कर सकते हैं फॉर देयर मिल्क, फॉर देयर मीट, तो वो कहलाती है एनिमल हस्बेंड्री. तो अगर फिश को रियर कर रहे हैं दैट इज नोन एज पिशिकल्चर. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन, बच्चों नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से एवरी ईयर आरआईएमसी, आरएमएस सैनिक, यूपी सैनिक में हर बार एक क्वेश्चन आता है. तो मैं आपको यहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क के भी जो इंपॉर्टेंट है वो वीडियोस में कवर करा दूंगी. तो जो जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वेयर इट इज इन वेस्ट बंगाल. तो डी इज द करेक्ट आंसर. विटामिन बी थ्री डेफिशियंसी लीड टू द कंडीशन कॉल्ड क्लॉटिंग, ब्लड लॉस, पेलेग्रा, बेरी बेरी. बेरी बेरी बेसिकली विटामिन बी वन से होती है एंड करेक्ट आंसर इज पेलेग्रा. पेलेग्रा आपको कंडीशन होती है ड्यू टू द आपकी बिल्कुल स्किन है बिल्कुल डल हो जाती है, 3 DBs को बोला जाता है. डर्मेटाइटिस की यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, डायरिया की प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए से 3 DB कहा जाता है. तो पेलेग्रा इज द करेक्ट आंसर. सी इज द करेक्ट आंसर. इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड टूथ डी के, जब आपके टूथ जो है डीके हो जाते हैं और ब्लीडिंग होती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो दैट कंडीशन इज नोन एज फ्लेरिया, प्लैग, पायरिया, मिजलिस. तो इट इज नोन एज पायरिया. दांतों में, गम्स में जब स्मेलिंग हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, गम्स से ब्लीड ब्लड आने लगता है, तो दैट कंडीशन इज नोन एज पायरिया. सी इज द करेक्ट आंसर. द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, बच्चों इंटरनेशनल और नेशनल डे से एवरी ईयर आपके क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप कोई से भी एग्जाम में जा रहे हो, ये क्वेश्चन 100% आने ही आने हैं. तो हमें साइंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए साइंस डे कब सेलिब्रेट होता है. तो इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन February 28 ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ CV रमन, क्योंकि उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, दैट इज द डिस्पर्जन ऑफ योर व्हाइट लाइट. तो February 28 को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं. वॉट इज नेशनल साइंस डे. सी इज द करेक्ट आंसर. डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लीफ, इट कैरीज आउट ऑल द फंक्शन ऑफ द लीफ. बेसिकली आपके लीव्स के बहुत सारे फंक्शन पार्ट होते हैं, दैट इज वेन्स होता है, वेंटिकुलर रीजन होता है. तो सबसे ज्यादा जो सारे मेन फंक्शन है, फूड की मेकिंग है, वो सारे फंक्शन कौन करती है, लैमिना इज द स्ट्रक्चर. बेसिकली लैमिना आपके सारे फंक्शन करती है, फंक्शन ऑफ द लीफ. तो सी इज द करेक्ट आंसर. From which source does all the energy in a food chain originate? जो हमारी food chain होती है कि सबसे पहले हमारे plants जो है primary producer है, फिर उनको primary consumer intake करते हैं हमारे herbivores, फिर इनको जो है secondary consumer ले लेते हैं that is carnivores. तो ये जो आपकी food chain होती है इसका जो सबसे primary source है energy का, सबसे main source, वो कहाँ से आती है, from the sun. क्योंकि plant भी जो अपना photosynthesis करते हैं by the process of photosynthesis, autotrophic होते हैं plants हमारे, तो ये main energy source कहां से लेते हैं, फ्रॉम द सन. तो सन इज द मेजर सोर्स फॉर ऑल एनर्जी. जो भी इधर से यहां पर 1% ट्रांसफर हो रही है वो किसकी वजह से, ड्यू टू द सन. तो बी इज द करेक्ट आंसर. What detect an enemy's plane? Basically कोई भी approaching plane होता है उसको कौन detect कर सकते, किसके through हम कोई भी approaching plane को detect कर सकते हैं, नून, सोनार, मडार, रडार. तो correct answer is your radar. Radio waves, यहाँ पर हम radio waves की मदद से detecting ranging. तो इसकी full form क्या है, radio waves detect, radio detecting range and ranging, radio detecting and ranging. हम इसके थ्रू यूज करके किसी भी एनिमी प्लेन को अप्रोच कर सकते हैं. सोनार से हम शिप नेविगेशन में हेल्प करते हैं. तो यहां पर हमारा डी इज द करेक्ट आंसर, रडार इज द करेक्ट आंसर. और ये एग्जाम में आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, डी इज द करेक्ट आंसर. विच इंडियन साइंटिस्ट इन्वेंटेड द क्रेस्कोग्राफ विच मेजर ग्रोथ एंड रेस्पॉन्स इन प्लांट. तो बच्चों यहां से तो आपको क्लियर हो गया, क्योंकि साइंटिफिक डिवाइसेस पे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा डिवाइस, कौन सा यहाँ पर साइंटिफिक डिवाइस है जिसका क्या फंक्शन है. तो क्रेस्कोग्राफ यहाँ पर डिवाइस होता है जो यूज होता है बेसिकली टू मेजर द ग्रोथ एंड रेस्पॉन्स इन प्लांट. तो किस इंडियन साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था, तो करेक्ट आंसर इज जगदीश चंद्र बसु. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी सैनिक और आरआईएमएस में आ जाता है. तो करेक्ट आंसर इज जगदीश चंद्र बोस, और हिंदी में जगदीश चंद्र बसु. ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर.
डाचीगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डाचीगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में, जे एंड के में। पूछ आरएमएस में सीधा सीधा आता है, कभी भी मैचिंग करने को नहीं। हमने जनरली देखा है डाचीगम कोई भी आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क दे देंगे और आपसे उसका स्टेट पूछेंगे, तो डाचीगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर। आई होप ये सारी चीजें आपको याद होंगी, साइंटिफिक डिवाइसेज, इन्वेंशंस, डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बच्चों किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं, इन क्वेश्चंस को आप कर जाओ, 100% ये क्वेश्चन लगने वाले हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर डाचीगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारा डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सुंदरबन से सिचुएटेड, वेयर इज, जहां पर हमारा सुंदरबन डेल्टा बनते हैं, कहां बनते हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा बनाती है दोनों नदियां मिलकर, तो कहां बनते हैं? तो सुंदरबन डेल्टा में हमारा सुंदरबन नेशनल पार्क भी पाया जाता है, तो देयर इट इज इन वेस्ट बंगाल। तो कहां है सुंदरबन डेल्टा? कहां पर है? वेस्ट बंगाल। और सुंदरबन जो हमारे नेशनल पार्क है वो भी कहां पर है? वेस्ट बंगाल। बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा वेजिटेशन यहां पर ग्रो होता है क्योंकि जो रिवर अपने साथ सिल्ट लाती है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होते हैं, एलुवियल सॉइल बेसिकली यहां पर मिलती है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ रिवर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। केल्विन इज अ यूनिट रिलेटेड टू, बेसिकली जो हमारी केल्विन है वो किसकी यूनिट है? तो इट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर। तो बेसिकली हमारा फ़ारेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस, ऑल दीज आर यूनिट्स फॉर योर टेम्परेचर। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। बेसिकली यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू द 273.15 केल्विन के इक्वल होता है। तो ये बेसिकली किसकी यूनिट है? टेम्परेचर की। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वॉज लॉन्च इन टू स्पेस बाय रशिया, जो फॉर्मर यूएसएसआर के नेम से थी, 1957 में जो सबसे पहली इन्होंने सैटेलाइट लॉन्च की थी, दैट इज स्पुटनिक 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सोलर सिस्टम से, तो आप बिल्कुल मान के चलिए सोलर सिस्टम से एवरी ईयर, चाहे सैटेलाइट्स को लेके हो, प्लैनेट्स को लेके हो, एवरी ईयर एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट सैटेलाइट। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इन टू स्पेस इन 1997, सबसे पहली भारतीय महिला जो गई थी कहां पर स्पेस में? कल्पना चावला, राखी शर्मा, और सबसे फर्स्ट पर्सन थे राकेश शर्मा जो यहां पर स्पेस में गए थे। और यहां पर जो हमारी फर्स्ट फीमेल थी जो इंडिया इंडियन की है और अमेरिकन लीवर एमएस अमेरिका में रहती थी, तो दैट इज कल्पना चावला, सबसे फर्स्ट वुमेन है जो स्पेस में गई थी। ए इज द करेक्ट आंसर। द प्लेस इन अमृतसर वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ अनआर्म पीपल डाइड ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग बाय जनरल डायर। अमृतसर में वो प्लेस जहां पर निहत्ते लोगों पर गोलियां चलवा दी गई थी थ्रू द जनरल डायर, वो जगह कौन सी है? विक्टोरिया मेमोरियल, नानकाना साहेब, जलियावाला बाग, शक्ति स्थल। तो करेक्ट आंसर इज जलियावाला बाग पर निहत्ते लोगों पर गोलियां चलवा दी गई थी, जनरल डायर ने ये किया था। तो सी इज द करेक्ट आंसर। द ओल्ड नेम फॉर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जीके का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से पहले क्या किस नाम से जाना जाता था? 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा बना था, तो इसको हम पहले हैले नेशनल पार्क से नेम से जानते थे। बेसिकली कहां पर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? इट इज उत्तराखंड में है, और यहां पर हैले पार्क इसको कहा जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर, कहा जाता था ये। नेक्स्ट, पेरियार नेशनल पार्क, नेशनल पार्क से पेरियार भी पूछ लिया जाता है मोस्ट ऑफ द एग्जाम में। जो क्वेश्चन बेसिकली कुछ ऐसे नेशनल पार्क है जो हर पेपर में रिपीट होते हैं, तो उसी के बेस पे हम बता सकते हैं कि ये नेशनल पार्क ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो केरला इज द करेक्ट आंसर, पेरियार नेशनल पार्क है आपका केरला में। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था थ्रू द महात्मा गांधी, इसमें हमारा ये कब स्टार्ट किया गया था? तो इट इज स्टार्टेड ऑन 8 अगस्त 1942। और बहुत सारे मूवमेंट में से सबसे अच्छा मूवमेंट है और पूछा भी जाता है, तो 1942 में ये स्टार्ट किया गया था। द फर्स्ट एंड द ओनली वुमेन टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाली पहली महिला, रजिया सुल्ताना, रानी लक्ष्मीबाई बेगम, हजरत महल, रुकैया बेगम। तो करेक्ट आंसर है रजिया सुल्ताना, सबसे पहली महिला थी जो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठी थी। ए इज द करेक्ट आंसर। डैश इज अ ग्लेशियर इन हिमालय फ्रॉम विच रिवर गंगा ओरिजिनेटेड, हिमालय से निकलती है गंगा रिवर, लेकिन किस ग्लेशियर से निकलती है? यमुनोत्री, गंगोत्री, अरावली या तिब्बतन प्लेट्यू? रिवर से क्वेश्चन आएंगे बच्चों, तो गंगोत्री यहां पर आंसर है, उत्तराखंड में हिमालय से निकलने वाली गंगा रिवर हमारी गंगोत्री से निकलती है। ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री। बी इज द करेक्ट आंसर।
हु इज द लोवेस्ट रैंक ऑफिसर एयर फोर्स ऑफिसर अमंग दीज। बच्चों जब आप डिफेंस के एग्जाम में जा रहे हैं तो डिफेंस से हर एक क्वेश्चन जरूर आना है, चाहे वो एयर चीफ स्टाफ को लेके हो, आर्मी चीफ स्टाफ को लेके हो, ये सब मैं आपको करा दूंगी सारी वीडियोस में। बस आपको करना है कि किसी भी वीडियो का कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। तो एयरफोर्स में रैंक पूछ ली जाती है तो सबसे लोवेस्ट रैंक हमारी होती है विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट। तो सबसे जो छोटी नीचे की तरफ से चले, हमको बड़ी नहीं बतानी है, लोवेस्ट रैंक बतानी है, तो सबसे छोटी रैंक जो है यहां पर फ्लाइंग ऑफिसर है। फ्लाइंग ऑफिसर से ऊपर हमारी फ्लाइंग लेफ्टिनेंट बनते हैं, फिर विंग कमांडर भी बनते हैं, और विंग कमांडर से ऊपर की रैंक होती है हमारी ग्रुप के कैप्टन बनते हैं। तो सबसे छोटी रैंक यहां पर है फ्लाइंग ऑफिसर, तो सी इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर अमृतीय सेन वो नोबेल प्राइज इन विच फील्ड? डॉक्टर अमृतीय सेन को 1998 में नोबेल प्राइज मिला था, किसके लिए? इकोनॉमिक्स के लिए। अगेन एंड अगेन रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में जाइए आप, इंडिया के, यूपी के, ऑल इंडिया के, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो अमृतीय सेन को नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स के लिए, तो ए इज द करेक्ट आंसर। विच एनिमल नेवर स्टॉप ग्रोइंग? कोई भी एक एनिमल जो कभी स्टॉप नहीं होता ग्रोइंग करता हुआ, दैट इज स्नेक। स्नेक हमेशा उसकी सेल्स ग्रो होती रहती है, तो स्नेक इज द नेवर स्टॉप ग्रोइंग, हमेशा ये ग्रो करता रहता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वॉज रिलीज इन भोपाल गैस ट्रेजडी? भोपाल गैस ट्रेजडी हुई थी जिसमें कि एक्सीडेंटली कौन सी गैस रिलीज हो गई थी, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी सैनिक में आया हुआ है, आरएमएस में पूछा जा सकता है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी जो भोपाल गैस ट्रेजडी में लीक हो गई थी, जिसमें 15,000 ऑफ लोग मारे गए थे, इंजर्ड हुए थे, बहुत ही हार्मफुल गैस है, बाय मिस्टेक एक्सीडेंटली एक्सप्लोड हो गई थी, तो डी इज द करेक्ट आंसर, मिथाइल आइसोसाइनेट। कंफ्यूज नहीं होंगे, इथाइल नहीं है, मिथाइल, डी इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन, साइंस पढ़ रहे हैं तो हेल्थ डे से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आना ही है, डे से क्वेश्चन आता है। तो 7 अप्रैल को एवरी ईयर हम वर्ल्ड हेल्थ डे स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, तो 7 अप्रैल इज द करेक्ट आंसर। बार्क ऑफ विच ट्री वॉज यूज टू राइट मैन्यूस्क्रिप्ट बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर? जब तक पेपर की खोज नहीं हुई थी, पेपर की खोज किसने करी थी? चाइना से खोज हुई थी पेपर की, तो यहाँ पर काइली ने करके ये खोज की थी इसकी। तो यहाँ पर बार किसकी पेड़ की छाल को यूज करके लिखा जाता था? तो बर्च ट्री की जो छाल होती है उसको सुखाकर कागज जैसे यूज में हम उसको करते थे, तो बर्च ट्री की ये छाल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम, तो ए इज द करेक्ट आंसर। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, हमारी नॉर्थ इंडिया की बात करें तो हमारी लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा, लेकिन साउथ इंडिया की बात करें जिसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, अप्रोक्स 1465 मीटर्स करके, मतलब कि आपकी 64 अप्रोक्स किलोमीटर इसकी लेंथ होती है, महाराष्ट्र नासिक से निकलती है। तो यहाँ पर ये बेसिकली जो हमारी रिवर है जो साउथ इंडिया की सबसे लंबी रिवर है, दैट इज गोदावरी, इसको हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, दक्षिण गंगा किस रिवर को कहा जाता है? तो गोदावरी साउथ इंडिया की रिवर है, महाराष्ट्र से निकलती है, डी इज द करेक्ट आंसर। गोदावरी के यहां पर जो गोदावरी के बैंक पर जो शहर है, यहां पर सिटी है, दैट इज नासिक सिटी, डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर? अगर आप कोई भी कंटामिनेटेड, कोई भी इन्फेक्शियस खाना खा लेते हैं तो वो, या पानी पी लेते हैं तो आपको कौन सा इन्फेक्शन हो जाता है? तो इसके अंदर होते हैं बैक्टीरिया, जो कौन से बैक्टीरिया? दैट इज विब्रियो कॉलरे। गंदा पानी पीने से या गंदा खाना खाने से जो बैक्टीरिया आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करते हैं, दैट इज विब्रियो कॉलरे। और कौन सी डिजीज करते हैं? दैट इज कॉलरा, जिसमें आपको डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, लूज मोशन हो जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, बी इज द करेक्ट आंसर। द गैस फिल्ड इन वेदर बैलून, वेदर बैलून में हमारी कौन सी गैस फिल्ड की जाती है? तो हमें यहां पर चाहिए वो एयर, वो गैस जो हमारी लाइटर देन एयर हो, तो जो हमारी एयर से भी लाइटर, ऑक्सीजन से भी लाइटर यहां पर जो गैस होती है, दैट इज हीलियम, जो हम वेदर बैलून में फिट करते हैं। और सी डाइवर्स भी इसी का, ऑक्सीजन के साथ इसी गैस का मिक्सचर लेके जाते हैं फॉर सी डाइविंग, स्कूबा डाइविंग के लिए। तो बी इज द करेक्ट आंसर, हीलियम गैस यहां पर यूज की जाती है वेदर बैलून्स में। स्टूडेंट तो दीज वर योर 50 क्वेश्चंस, आई होप आपको इन क्वेश्चंस के आंसर कुछ के पता होंगे, कुछ के अब पता चल गए होंगे। तो आप मुझे बताइए कि आपने कितना स्कोर यहां पर आज गेन किया, कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको आते थे और आज आपका स्कोर कितना रहा। सो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक जरूर दें, और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।